तो दोस्तों देख सकते हैं, ये बिल्डिंग का इलेक्ट्रिकल रूम है। ये यहाँ पर क्या है कि बिल्डर ने पूरा का पूरा पैनल वर्क, केबल ट्रे वर्क कर लिया है, और हमारा काम क्या है कि ये जो ऊपर में लैब होगा उसके लिए दो सोर्स का हमको यहाँ से पावर जाने वाला है, जो कि यूपीएस के लिए। ओके, एक पैनल यहाँ पर बैठने वाला है और एक पैनल यहाँ पर बैठने वाला है। ओके, यहाँ पर वन सोर्स है तो ये टू सोर्स होगा। ओके, इसलिए हम ऊपर में देख सकते हैं, ये एक फ्री वाला ट्रे है और इसमें एक केबल आया हुआ है जो कि यहाँ पर पेंडिंग पड़ा है इसका काम, और यहाँ पर केबल खींचा जाएगा। ठीक है, ये ट्रे कुछ इस प्रकार से हमने लिया है। थोड़ा सा जूम करेगा तो मैं देख सकता है। इसे लेके मैंने यूपीएस रूम को गया है। ओके, और वो यहाँ पर आते आते हमने क्या किया, यहाँ पर एक जेड अपसाइड किया जो कि कुछ इस प्रकार से किया है, और ये 45 डिग्री नहीं है, कुछ 22 डिग्री या वो 22 डिग्री ही होगा, क्योंकि ऐसे हमने 1200 और ऐसे जस्ट 400 लिया है। ओके, जो 1000 बाई 1000 होगा तो वो 45 डिग्री होता है। 45 डिग्री कभी भी नहीं करना, करेगा तो केबल भी नहीं आएगा। यहाँ पर एक 45 डिग्री हुआ है, वो दिखाता हूँ कैसा टाइप का केबल गया है। वो कुछ यही साइड में शायद मैं दिखाता हूँ, वो मजबूरी में किया है। देख सकते हैं 45 डिग्री करेंगे तो केबल अपना रास्ता में जाएगा। वो कॉर्नर देख सकते हैं, ये कॉर्नर टच नहीं हुआ, लेकिन हमारा वहाँ पर पक्का टच होगा, इसीलिए आपको ऐसा टाइप का ऑफसाइड ही करना पड़ेगा। और वो मैं इसका आउटसाइड जा रहा हूँ, वो दिखाएगा कैसे कैसे लिया है हमने। यहाँ पर असल में जगह था नहीं, इसलिए मेरे को ज़्यादा ऑफसाइड मार के लेना पड़ा। और यहाँ पर देख सकते हैं, ये कब बिल्डर का ट्रे में हमारा जो केबल गया है, और ये नीचे वाला ट्रे यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मुझे डबल अपसाइड मारना पड़ा, क्योंकि ये जो चिल्लर पाइप है इसका नीचे जा रहा है, और इधर आने के बाद ये चिल्लर पाइप का ऊपर जाएगा। ओके, ऊपर जाके और थोड़ा 500 हमको उठाना था, इसीलिए हमने यहाँ पर एक जेड मारा, यहाँ पर एक जेड मारा। ठीक है, ऊपर जेड अपसाइड मारा, डबल करके उठाया, और सिंगल में नहीं होता क्योंकि ये पाइप का नीचे से यहाँ पर कॉम गैप होता है, ये गैप से उठना है, ऐसे नहीं होता, इसीलिए मेरे को डबल मारना पड़ा। और ये जाएगा यहाँ पर यूपीएस रूम होता है, देख सकते हैं ये यूपीएस अभी आया हुआ है, वो बैठेगा। ये पूरा बेसमेंट वन है, थोड़ा दिखा देता हूँ यूपीएस रूम इसका। ये टेम्पररी के लिए बिठाया गया, आपको दिखा रहा था शायद, ये टेम्पररी के लिए पैनल बिठाया गया, ये भी टेम्पररी। ओके, और हमारा ट्रे आके यहाँ पर हमने लिंक कर लिया। ठीक है, ये फ्लैट दो बचा है कामों, इसको थोड़ा सा शेप में कट करेंगे, जस्ट यू शेप में अंदर एंट्री करेगा केबल। और ये सब यूपीएस देख सकते हैं, ये टेम्पररी के लिए बैठाया गया। इसका बैटरी भी मैं दिखाता हूँ, एक न्यू टाइप का बैटरी यहाँ पर लगाया गया, ये देख सकते हैं बैटरी इसका केबल है। ओके, वो 3 UPS के लिए, यहाँ पर देखिए 3 रैक का बैटरीज है, और ये बैटरीज कैसा टाइप का थोड़ा देखिए, एक डिफरेंट टाइप का LG कंपनी ने बनाया कैसा। हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं ये लिथियम आयन बैटरी सिस्टम। ठीक है, और ये तो उसका MCC भी है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है तो देख सकते हैं LG एनर्जी सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया LG एनर्जी सॉल्यूशन। ये एक बैटरीज है, ये एक बैटरीज है जो कि इसमें पंखा वंखा सब भी लगाया गया। ठीक है, पूरा इसी प्रकार से है, ये सारे का सारे रागे इसी प्रकार से है। मैं
पूरा का पूरा रैक देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये बैटरी तीन केबल है, ये तीन आया हुआ है, ये दो रैग है, ये एक ठीक है। केबल उधर उधर भी दो ड्रॉप किया गया, इधर एक ड्रॉप किया गया, कुछ इसी प्रकार से है। और ये बेसमेंट को कंट्रोल करने के लिए ये सभी बैटरी है, जो कि पुराना मॉडल, ये एक्चुअली लेटेस्ट मॉडल। और आप लोगों ऐसा वाला बैटरी काम किया था क्या? हम तो नहीं किया था। ओके, ये पहली बार देख रहा हूँ, कुछ अच्छा दिख रहा है। ओके, ये छोटी सी एक जानकारी था। यहाँ पर सभी यूपीएस आएगा, ये टाइल से आएगा, बहुत सारे काम होने वाला है आगे में। थोड़ा हमारे साथ जुड़े रहिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका मन में कोई केबल ट्रे से रिलेटेड या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा लाइक कर देना। ओके फ्रेंड्स, ओके बाय।